अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज कुरम, वेलकम टू माय चैनल ज़रार व्लॉग्स। और दूसरे एपिसोड का स्टार्ट कुछ एक किस्से के साथ होगा, वो ये है कि जहाँ मेरा एपिसोड वन का यानी मेरी ट्रैवल वीडियो की पहली वीडियो जो थी उसका इख्तिताम हुआ था, उसके बाद मेरे साथ एक वकूआ पेश आया, एक किस्सा मेरे साथ एक हादसा हुआ। वो ये था कि मेरे जो शूज़ थे मैं जो अपने ले गया था वो मैंने अपने बैग में नहीं थे डाले, वो मैंने अलहदा एक शॉपर में डाल के ना तो जो बस नहीं बस की जो सीट है उसकी बर्थ पे रखे हुए थे। उतरते वक्त मुझे याद भूल गया कि वो लेने हैं। सो मैं जब हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, नाश्ते वगैरह के मैं वीडियोस नहीं डालता वो, पर मैंने जब नाश्ता कर लिया तो नाश्ता करने के बाद मुझे याद आया, हमाद ने मुझे याद करा के तेरे शूज़। उसके बाद जू आधा घंटा 45 मिनट ढूंढने के बाद, बस अपनी ढूंढने के बाद हम इतने पागल, हमने उसका नंबर भी याद दिया, कुछ नहीं याद किया। और वो लेकिन एट लास्ट 15-45 मिनट या आधे घंटे के बाद जब हमें बस मिली तो हमने ड्राइवर से पूछा, वो भी कहते हम नाश्ता करके अभी आए हैं, हमें नहीं पता तो आप देख लें बस। हमने जब बस में देखा तो उन्होंने ऊपर देख दो, हमने उन्हें पता निशानदेही करवाई कि ये शॉपर था, कलर था। तो ड्राइवर का जो बस का कंडक्टर है वो हमें क्या कहता कि भाई वो तो मैंने किसी और को लेके जाते हुए देखा, जब आप सो रहे थे तो कोई ऊपर से उठा के ले गया, मैं ले गई। तो यही एक बात आपको बतानी थी। तो अभी हम नाश्ता जब स्टार्ट वीडियो होगी, नाश्ता कर लिया होगा, नाश्ते के बाद ही हम आपको मिलेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो लो जी, हमने नाश्ता कर लिया, नाश्ता वगैरह करके हम सारे लोग ना और गिलगित की तरफ रवाना होने लगे हैं। गिलगित से आगे हमारा प्लान है, गिलगित रुकेंगे और गिलगित से हम आगे जाएंगे स्कर्दू की तरफ। तो उम्मीद तो यही है, अभी हम गिलगित की तरफ निकलने लगे हैं और बढ़िया आया हूँ। हाँ, तो मिलते हैं आपको गिलगित जाके। तो अभी हम रेडी हैं, 7:30 बजे हमारी बस निकली है, जबकि 7:15 हो गए हैं। और अभी अभी के लिए हमजा लोगों को आया हुआ था, वॉशरूम जाना था उन्होंने, तो वो अभी वॉशरूम के लिए आए हैं। हम यहाँ पीरुदा ही अड्डे, यहाँ कोई PSO पंप है वहाँ पे, भैया मूतने आए हुए हैं। तो मूतना कहा गया, अब हम निकलेंगे फिर आपको दिखाएंगे जब हम गिलगित पहुँच जाएंगे। गिलगित पहुँचने के बाद हम आपको दिखा देंगे। हमारी गाड़ी निकल चुकी है गिलगित की तरफ और असर भाई हमजा भाई सारे ना 15 घंटे की ड्राइव के लिए ना। ले जी, हम निकल चुके हैं गिलगित की तरफ और ये तकरीबन बोल ड्राइवर 15 घंटे की ड्राइव है इस्लामाबाद से गिलगित की तरफ। और सफ़र करते करते 12 घंटे से सफ़र कर रहे हैं, 12 घंटे से सफ़र करते करते हम पहुंच गए हैं अब विशाम। विशाम हमारा लंच टाइम है, लंच कर रहे हैं विशाम में लंच के बाद फिर आगे 6 या 10 घंटे का सफ़र मैं बता रहे हैं गिलगित की तरफ, और उसके बाद हमने गिलगित रवाना हो जाना 10 घंटे के सफ़र पे। गाड़ी हमारी है लोकल, बड़ा जलील होना पड़ता है यार, ये याद रखिएगा कि आपने अगर लोकल आना है तो भाई आपको गाइडलाइन दे सकता है कौन सी चीज़ कितने में आ रही है, कितने में जो भी हो रहा है सिलसिला, सारा कुछ गाइडलाइंस मैं दे सकता हूँ आपको कि कितने में हम आए, कितना किराया दिया, किस गाड़ी में बैठे, कब निकले, किस टाइम पे, वो भी दे सकता हूँ। लेकिन हमें अभी गिलगित की पड़ी हुई है, हमें नींद भी बहुत आई हुई है, सोए भी नहीं अच्छी तरह से गाड़ी में। तो अब हम यहाँ से खाना खाएँगे, खाना खा के हम फिर आपको मिलते हैं गिलगित। जी, हमारा सफ़र ना सुबह से हो रहा है और अभी तक
चलता जा रहा है चलता जा रहा है, इसका हमें समझ नहीं। और अब 11 हो गए, 11 बज गए और सारे बैठ गए बस बैठ गए, बस बैठे हुए हमारी डिक्कियां थक गई हैं और हमारी बस हो चुकी है, हमारी बस हो चुकी है। और हमारे वो जो सोनू भाई है ना, अभी हमारी तकरीबन 60 किलोमीटर और दूर जीत है, और अभी 60 किलोमीटर की दूर है, तो भी करी जाए। फाइनली हम गिलगित पहुंच चुके हैं, क्या भाई? अभी हम उतरते हैं तो आपको दिखाते हैं। अक गए हैं यहाँ, कादरी भाई बहुत है, तो अभी उतर के आपको दिखाते हैं गिलगित सिटी में। और इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद मेरे से पूछो तो सच बात, बहुत थक चुके थे। इतना सफ़र करने के बाद जब हमें गिलगित की लाइट्स नज़र आई ना, तो यकीन करो जान में जान आ गई। हमारा सफ़र तकरीबन 27 घंटे लोकल बना था, जो हमने लगातार विद 2 घंटे के स्टे के साथ किया था, यानी कि 2 जगह खाना खाने के लिए रुके थे, वही 2 घंटे स्टे हुआ था। अदरवाइज हमारा वो स्टे निकाल के 26 या 27 घंटे का सफ़र बना था। उस 26-27 घंटे एक जगह बैठने के बाद, यानी बस पे बैठने, एक जगह सीट पे बैठने के बाद, आपको पता है अगर आपकी मंजिल आपको नज़र आए तो उसका क्या मज़ा आता है। तो जब बिल्कुल उम्मीद यही थी कि पता नहीं कब पहुंचना है, तो जब हमें वो लाइट्स नज़र आई तो देखें आपको लाइट्स नज़र क्या आई, आप देखें लाइट्स, देखें यार कितना हमें सुकून हुआ था, वो देखें आप। ले हमने खाना खाकर गिलगित पहुंच के खाना भी खा लिया, खाना खा के रूम कर लिया, सारे सामान अपना आके सेट कर रहे हैं, और अब हम आपको सुबह मिलेंगे। सुबह तैयारी है हुंजा जाने की, तो आज का व्लॉग तो ऐसे ही रह गया यार, फजूल सफ़र में गुजर गया हमारा सारा। तो आपको मिलते हैं सुबह, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। तो सुबह हुंजा जा रहे हैं, सेकंड डे हमारा ट्रिप का हुंजा होगा, अल्लाह हाफिज़। तो इसके बाद सर हमारा, अगर आपको ये वीडियो का एंड कर दिया ये एपिसोड, इसके बाद हम सो गए थे, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस चैनल को बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें। नेक्स्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो ही डालता हूँ, हुंजा का प्लान करके निकले थे, उसमें भी एक ट्विस्ट है, वो भी एक किस्सा है, वो अभी आपको बताऊँगा। तो ज़रूर मेरी वीडियो और मुझे लाइक करें, फॉलो करें, और अल्लाह हाफिज़।